बाराती को खिलाने में और दूल्हे को खिलाने में जब लोग परेशान हो गए तो पत्तले वहीं रख दी, सारी सामग्री रख दी, कहा जिसको जैसे ढंग से खाना हो वैसे ही खा लो, पर मैं नहीं खिला सकता, हम लोग नहीं खिला सकते। लोग कहते हैं कि ये जो बफर सिस्टम चालू हुआ है ये बफर सिस्टम बड़ा ही बुरा है, लोग झूठ न उठाते हैं, झूठ न खाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जब से बरातियों ने शंकर जी के विवाह में पत्तले बरातियों को अपने आप से खाने में रख दी ताकि वे खुद खा लें, तभी से बफर सिस्टम की ये पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। ये शंकर जी के विवाह से प्रारंभ हुई है, अभी के टाइम से नहीं चल रही है ये बफर सिस्टम। तो मैं आपको बता रहा था कि शंकर जी का ये विवाह, शंकर जी का ये विवाह में पंगति हुई। अब पाणि ग्रहण होना था, सो पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, सो
पाणी ग्रहण किया। सारे सुर बड़े आनंदित हुए। अब भगवान शंकर का विवाह का ये चरित्र संपन्न हुआ। अब शंकर जी से नेग मांगने वाली आई खवासन। आई खवासन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूलाजू पान यह पाइये, हो गयो विवाह पाई वरवधु विमल, अब रस रीत सो नेग मेरो दिवाइये। तो शंकर जी ने क्या किया, झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए, और मंडप के नीचे समाज सब लागे ओ हसन, भागो मत देवी जी नेग लिए जाइए। पर क्या हुआ, वो सांप उस खवा वो भाग रही थी खवासन, उसके पैर में लिपट गया। लिपटा तो वो बेचारी बेहोश हो गई, पर जब उसको होश आया तो देखा कि वो सांप एक मणियों की पायल बन गया था। तेरे दरबार की आली की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी, फैलाया जिसने भी अपना दामन तेरे दरबार में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान का शंकर का ये विवाह संपन्न हुआ। और फलश्रुति क्या है इसको सुनने का, फलश्रुति है कि यह उमा शंभु विवाह जे रही है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि श्री धाम वृंदावन में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री माधवदास जी। बड़े उच्च कोटि के संत, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, राधे कृष्ण गाया करेंगे, ऐसे परम भागवत संत। लताओं में वृंदावन की झाड़ियों में रहते, भजन कीर्तन में उनको बड़ा आनंद आता। अब देखिए भैया, भूख तो सबको ही लगती है, तो उन्हें भी जब भूख लगती तो वे एक मंदिर में रोज संतों का भंडारा होता, और जब पत्तलें फेंक दी जाती तो वे पत्तलों के पास जाते अपने मिट्टी के बर्तन करवा को लेकर। तो करवा में वो दाने भरते, किसी में एक दाना मिल गया किसी पत्तल में, किसी में दो दाने मिल गए, ऐसे इकट्ठा करते। और आश्चर्य,
उसके बाद भगवान को भोग लगाते, बाद में वे प्रसाद पाते। पर एक दिन तो वे भजन में इतने लीन हो गए कि भूख का उनको पता ही नहीं चला कि मुझे तो आज दाने इकट्ठे करने जाना है। पता ही नहीं चला, इतने लीन हो गए भजन में। पर जब उनको भूख का एहसास हुआ तो जल्दी जल्दी अपने मिट्टी के बर्तन करवा को लेकर उस मंदिर में गए, दाने इकट्ठे किए। जल्दी जल्दी में थे, थोड़ी भूख लग रही थी, पर आज भगवान को भोग लगाना भूल गए, भोग नहीं लगा पाए। पर जैसे ही एक ग्रास मुंह में रखा, याद आ गया कि आज तो भगवान को भोग नहीं लगाया, तो एक विचार मन में आया कि अभी इसको उगल देते हैं ग्रास को, इसके बाद भगवान को प्रसाद लगा लेंगे मुंह शुद्ध कर, इसके बाद भोजन पा लेंगे। पर जैसे ही ये विचार मन में आया, दूसरा विचार मन में आ गया कि अगर मैं इसको उगलूंगा तो संतों के शीत प्रसाद का अपमान होगा, तो क्या करें, अब ना निगलते बने ना उगलते बने, क्या करें, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। संतन को यह सीत प्रसाद लियो मुख डारना, जात गिरायो। अगर उस
छंछूदर को उगलेगा तो वह अंधा हो जाएगा, और अगर निगलेगा तो उसका पेट फूलेगा और वो मर जाएगा। ये प्रकृति का नियम है और ऐसी ही गति माधवदास जी की भी है। भाई गति सा